स्टूडेंट आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1.4 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे, ठीक है बच्चों। और आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम पर्टिकुलर आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे क्लास 9 से लेकर 12th के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है बिना टाइम गवाए। यदि ए बराबर 1 2 3 4, ए हमारा समुच्चय है, बी बराबर 3 4 5 6 और सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले हमें ज्ञात करना है मान ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी बराबर, बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, यूनियन का मतलब होता है कि जो जिसका भी हमें यूनियन ज्ञात करना है उन्हीं के अवयवों को हमें एक जगह इकट्ठा करके लिखना है। लेकिन अगर कोई अवयव रिपीट हो रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ए में दिया गया 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6 और ए यूनियन बी हम ज्ञात करेंगे, तब हम इन दोनों अवयवों को लिखेंगे इस प्रकार 1 2 3 4, ये क्या हमने सब अवयव यहाँ पे लिख लिए। अब बी में बी के भी अवयव को लिखेंगे, लेकिन 3 4 हमारा पहले ही दोनों में आ चुका है यहाँ पे, तो 3 और 4 को सिर्फ एक ही बार लिखना है। अब हमारे बचे हुए अवयव 5 और 6 है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में कहा है कि ए यूनियन सी ज्ञात करो। ए यूनियन सी हमें ज्ञात करना है, तो ए और सी के अवयवों का हम देखेंगे। ए और सी के अवयव, ए हमारा ये है और सी हमारा ये है, तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए के अवयव है 1 2 3 4, तो पहले आप ए के अवयव लिख लीजिए 1 2 3 और 4। उसके बाद सी के अवयव लिखिए, सी में 5 6 7 8, कोई भी अवयव यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 5 6 7 और 8, तो ए यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, में ए और सी में के सारे अवयव इसके अंदर आ गए हैं। अब हम देखते हैं तीसरे वाला। तीसरे में हमें कहा है कि भाई ज्ञात कीजिए बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन हमें ज्ञात करना है, तो बी यूनियन सी। बी के अवयव देखते हैं 3 4 5 6, तो पहले आप बी के सभी अवयव को लिख दीजिए 3 4 5 और 6। उसके बाद सी के अवयव को लिखेंगे इसमें, और सी के अवयव क्या है 5 6 7 8। आपको ध्यान देना है बच्चा कौन सा रिपीट हो रहा है, बी और सी में 6 जो है वो दोनों में है और 6 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये केवल एक ही बार लिखा जाएगा। अब हम सी के अवयव लिखेंगे, तो सी के अवयव हमारे, और देखो 5 भी है सी में, तो 5 को भी नहीं लिखेंगे, 5 6 दोनों आ गए, तो सी के क्या बचे 7 और 8, तो यहाँ पे 7 और 8 फिल कर देंगे, तो हमारा बी यूनियन सी हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। इसमें बी और सी दोनों के अवयव यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा बी यूनियन डी। बी और यूनियन डी, बी यूनियन डी हमें ज्ञात करना है, तो बी के अवयव हमारे क्या है बच्चों 3 4 5 6, बी के अवयव, तो पहले आप बी के अवयव को लिख दीजिए 3 4 5 और 6। उसके बाद आपको डी के अवयव लिखने हैं बच्चों, पर हमें देखना क्या कोई अवयव रिपीट तो नहीं है, 7 8 9 10 कोई भी रिपीट नहीं है, तो डी के भी सभी अवयव को यहाँ पे लिख देंगे 7 8 9 और 10, तो हमारा बी यूनियन डी हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात कीजिए। तो हमारा ए यूनियन बी हमने पहले से निकाल लिया जो कि 1 2 3 4 5 6 है, और इसके साथ अब हमें सी के अवयव को भी मिला के रखना है, तो हम पहले यहाँ पे ए यूनियन बी के अवयव नोट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें यूनियन सी करना है, तो सी के अवयव है 5 6 7 8, तो सी के अवयव में आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो 5 और 6 पहले ही आ चुके हैं, तो दोनों अवयव जो यहाँ पे आ गए इन दोनों को नहीं लिखेंगे, जो बचे हुए अवयव है उनको यहाँ पे लिख देंगे 7 और 8। तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है हमारा टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब हमारा अगला पार्ट है 6, जिसमें हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी, अब ए यूनियन बी और यूनियन डी है, तो आप पहले ए यूनियन बी के सारे अवयव लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ए यूनियन बी के सारे अवयव आ गए। अब इसके साथ में हमें डी के अवयव भी लिखने हैं, जो कि है 7 8 9 10, कोई भी अवयव यहाँ पे रिपीट नहीं है, अब यहाँ पे 7 8
9 और 10, तो हमारी ए यूनियन बी यूनियन डी हो जाएगा। अब हमें सातवां भाग करेंगे इसका, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब आपको पहले बी यूनियन सी के अवयव लिखने हैं। बी यूनियन सी क्या हमने सोल्व किया है, ये रहा हमारा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी के पहले अवयव लिख लेंगे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद हम डी के अवयव लिखेंगे और डी के अवयव हमारे 7, 8, 9, 10। तो 7, 8 हमारे पहले से आ गए, तो बचे 2 अवयव, वही हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और 10। तो ये हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी हो जाए। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और बच्चों आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से हम आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं होगी, ना आज और ना कभी बाद। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।